करनाल की बेटी व अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर कल्पना चावला को सेक्टर 6 में स्थित जिस स्कूल में कल्पना पढ़ती थी टैगोर स्कूल में हर साल की तरह भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 10 प्रतिभावान छात्राओं को इस मौके पर दिया गया कल्पना चावला प्रतिभावान अवार्ड। 25,000 के चेक देकर किया गया सम्मानित। अंतरिक्ष परी और करनाल की बेटी कल्पना चावला की आज 70वीं पुण्यतिथि करनाल के टैगोर स्कूल में मनाई गई। कल्पना चावला ने इस स्कूल में पढ़ाई की थी जहां पर हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और बच्चों को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया जाता है ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़े और वह भी कल्पना चावला जी के नक्शे कदमों पर चले। स्कूल में पढ़ रही 10 स्कूली होनहार छात्राओं को 25,000 रुपए के चेक देकर कल्पना चावला एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। वहीं बच्चों का भी कहना है कि हम भी कल्पना चावला जी के दिखाए हुए राह पर चलेंगे और अपने देश और अपने माता पिता के साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करेंगे। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम बारे में? क्या सर, आज हम कल्पना चावला की 70वीं जो उनकी डेथ एनिवर्सरी वो मना रहे हैं अपने स्कूल में, तो हम उनको ये प्रोग्राम हम हर साल हमारे स्कूल में करते हैं जिनमें हम कल्पना चावला जी को श्रद्धांजलि देते हैं। वो 17 मिनट पहले लैंड होने से 17 मिनट पहले जब वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, तो ये हर साल हम रूप एंड कंपनी हमारे स्कूल में आती है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कल्पना चावला को देने के लिए। तो कितने का चेक मिलेंगे, कितने लड़कियों को मिलेंगे? सर, जहाँ तक मुझे पता है हर साल ये 10 लड़कियों को मिलता है और जिसमें से हर लड़की को 25,000 मिलते हैं, तो कुल 250,000 की राशि रूप एंड कंपनी एनडी मेहरा मेमोरियल फाउंडेशन ये प्रदान करते हैं हमारे स्कूल। किन लड़कियों को मिल दिया जाता है? जो लड़कियाँ एक्सलेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में उनको। तो ये कल्पना चावला का स्कूल है? हाँ जी, कल्पना चावला ने यहाँ पे पढ़ाई करी है। तो आप भी नासा गए थे, किस उसमें गए थे? मैं फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन जो हर साल नासा के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गई थी। वहाँ पे 23 कंट्री से 47 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। सो मैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के बच्चों के साथ हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे मेरा 15 दिन का स्पेसशिप प्रोग्राम था। आज सम्मानित होने पर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम आपका? शीतल चौधरी। ये प्रोवाइड किया जा रहा है और इससे काफ़ी हौसला भी मिलता है क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके स्कोर हमने लाए हैं और कल्पना चावला के स्कूल में पढ़ के हमें उनकी कहानियाँ बताई जाती है, तो हमें काफ़ी हौसला मिलता है कि वो कैसे अपनी लाइफ में उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो उनकी राह पे ही हम चलना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इतने अच्छा स्कोर किया और हमें ये राशि दे के हमें एक तरह से बताया जाता है कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है और बाकी और बच्चे भी इस चीज़ से बहुत ही प्रेरित होते हैं जो और बच्चे हैं, और ये गर्ल्स को देना तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम आपका? अंशिका मलिक। गौरतलब है कि करनाल की बेटी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल में हुआ था। कल्पना चावला का बचपन का नाम मोंटू था और 3 साल की उम्र में कल्पना नाम रखा गया। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल वापस लौटते वक्त स्पेस शटल में आग लग जाने के कारण शटल में सवार कल्पना चावला समेत सभी 7 एस्ट्रोनॉट मारे गए थे। आज के दिन ही कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अपने अंतरिक्ष मिशन से वापस धरती पर लौट रही थी, जिसमें धरती पर आने से 16 मिनट पहले ही उसके यान कोलंबिया में आग लग गई थी और यान में सभी अंतरिक्ष में गए कल्पना चावला और दूसरे साथी अपने मिशन को अधूरा छोड़कर उस हादसे के शिकार हो गए, जिसके बाद करनाल की बेटी कल्पना चावला को सभी देशवासी भुला नहीं पाए और आज के दिन हर साल की तरह कल्पना करनाल के जिस टैगोर स्कूल में पढ़ती थी वहाँ स्कूली बच्चों द्वारा कल्पना को हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। आज हमारी कल्पना चावला जी की 17वीं पुण्यतिथि है, उस पर टैगोर परिवार अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और स्पेशल थैंक्स करते हैं इस मोमेंट पर रूप एंड कंपनी एनडी मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली का, जो हर साल बच्चियों को सम्मानित करता है। और ये सम्मान 2005 में शुरू हुआ था 10,000 रुपये से, पहले 11,000 रुपये के 2 अवार्ड मिलते थे, पिछले 5 साल से 25,000 रुपये के 10 अवार्ड रूप एंड कंपनी दिल्ली की तरफ से बच्चियों को दिए जा रहे हैं और ये प्योर मेरिट है। जो बच्ची 10वीं में 11वीं में हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं और 10वीं की जो भी 10 टॉपर हैं, ताकि किसी तरह का कोई विरोध विवाद ना हो, उन बच्चियों को सम्मानित किया जाता है जो 10 लड़कियां टॉपर स्कूल के अंदर 11वीं में पढ़ रही है 10वीं के मार्क्स के हिसाब से। और इस बार भी उसी श्रृंखला में मैडम CTM डॉक्टर पूजा भारती जी इन बच्चियों को सम्मानित करने के लिए आती है और हमारी हर साल ये प्रयास रहता है कि जो भी लेडी अधिकारी हो प्रथम लाइन की, उसी को बुलाकर हम उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इन बच्चियों को सम्मानित करवाते हैं। और ये टोटल क्रेडिट हमारी जो स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट है, जिनके प्रयासों से स्कूल को एक विश्व लेवल पर मान्यता मिली है, उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी बच्ची को बेटी को, कि उनके प्रयासों से ही स्कूल को इतना मान सम्मान मिल रहा है।